दस के चार, दस के चार नहीं, 19-20 साल पहले 10 रुपए के चार थे। फ्लेवर है, फ्लेवर से भी बेकार हो जाता, बेकार हो जाता है वो। आप घर में तो आप जूस पी लो या पानी का क्या फायदा। तो आप यहाँ पे कब से खा रहे हैं चाट गोलगप्पे इनके? ये हमारी अपनी दुकान है। ओ, आपकी अपनी दुकान है? ये तो कमाल हो गया। नहीं, हम बहुत बिस साल से आ रहे हैं। बढ़िया बनाते हैं चाट। आप बिस साल से आ रहे हैं? अच्छा, छोले ये प्योर छोले हैं। प्योर छोले हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। आप मसाले अपने आप ही पीसते हैं, अपने लागे साबुत लागे वो पीसते हैं घर के। कम से कम 10-12 तरह के मसाले होते हैं, एक नहीं है कि ये जीरा घोल दिया तो बन गया। दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, बंदे सयाने और नाम के दीवाने। तो वेलकम है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल दो मस्ताने में। और आज आपके लेकर आए कुछ चटपटा, आपको मजा आ जाएगा देख कर ही। और आपको ये भी दिखाएंगे यहाँ भीड़ कितनी है यार, बहुत तो हम भीड़ आ चुके है यार। सोनू चाट कॉर्नर पर जो कि NIT 1 में, और पास में ही पड़ेगा आपका मिलाप दवा खाना। और यहाँ की यार चाट काफी मशहूर है, मजा आने वाला है यार। और रेट काफी पुरानी दुकान है, 19-20 साल से ये चाट बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भीड़ कितनी है, भीड़ कितनी है ये दिखाते हैं आपको। कम से कम 19-20 साल हो गए। क्या बात है, तो यानी कि आप तब से हो जब यहाँ पे इतना डेवलपमेंट, इतनी सारी दुकानें वगैरह नहीं थी हैं। और ये क्या रखा हुआ है आपने? क्या टिक्की या छोले? अच्छा, आप क्या क्या अलग अलग तरीके की चाट वगैरह बनाते हो? काले गोलगप्पे हैं, भल्ला पापड़ है, भरमा गोलगप्पे हैं। अच्छा, भरमा कितनी रूढ़ी हुई बन रही हैं, कितनी बढ़िया लग रही हैं। तो ये जो छोले हैं आप टिक्की के साथ देते हैं? अच्छा, और क्या दही वाले गोलगप्पे? गोलगप्पे भी हैं, भरवा गोलगप्पे और दही वाले गोलगप्पे मिलते हैं। और दही भल्ले भी, दही भल्ले भी यार, भरवा गोलगप्पे और दही वाले गोलगप्पे और टिक्की तो देख ही रहे हैं आप, कितनी बढ़िया शानदार लग रही है। राम राम अंकल जी। तो आप यहाँ पे कब से खा रहे हैं चाट गोलगप्पे इनके? ये हमारी अपनी दुकान है। ओ, आपकी अपनी दुकान है? ये तो कमाल हो गया। तो यार सॉरी, तो आपने कभी खाए हैं अपनी दुकान के गोलगप्पे चाट? बिल्कुल। क्या टेस्ट है इसका? हमारे लोगों को बढ़िया लगना चाहिए, हमें तो बढ़िया। सोनू कौन है? सोनू हमारा भतीजा है। अच्छा, वो भतीजा है, तो भतीजा भी है अभी यहाँ पे? यहाँ नहीं है अभी, यहाँ पे नहीं है। वो तो अब बड़ा हो गया, वो तो छोटा था जब नाम रखा था, तब नाम रखा था। तो आपको दिखाते हैं इनकी टिक्की कहाँ बन रही है और कैसे बनती है टिक्की। ये देख लीजिए, यहाँ पे टिक्कियाँ बनाई जा रही है। इसकी जो ये पिट्ठी होती है, ये दाल है? दाल है, चने की दाल। ये चने की दाल है? चने की दाल। तो एक दिन में कितनी टिक्कियाँ बना देते हैं? एक दिन में जी लगभग 500 टिक्की बना देते। कितनी? 500? 500 टिक्की। 500 टिक्कियाँ हो जाती है। अच्छा, इनकी जो सेल है वो काफी बढ़िया है, क्योंकि यार इनका बहुत पुराना काउंटर है। एक दिन में 400 से 500 यहाँ पे टिक्की बनाई जाती है, और 400 की 500 टिक्की बन जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि रात को कस्टमर आता है और उसको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि टिक्की वगैरह का मिक्सचर जो होता है वो बिल्कुल फिनिश हो गया होता है, और नेक्स्ट डे उनको सुबह सुबह जल्दी आना पड़ता है। सुबह सुबह अंकल कितने बजे खुल जाती है? सुबह हम 11:30-12 चालू कर देते हैं, और रात को 9-10 तक चलती है। तो और जो ये टिक्की मैंने छोले देखे थे, ये छोले होते हैं मटर होते हैं? छोले ये प्योर छोले हैं, प्योर छोले हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे। क्योंकि प्योर छोले देख रहे हैं ना, वो हो जाते हैं बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं, बिल्कुल गल जाते हैं। इस वजह से उन छोलों का टेस्ट ना टिक्की में अलग से आता है, क्योंकि वो मटर नहीं है, वो छोले हैं। तो बहुत बढ़िया लगा यहाँ, टेस्ट भी काफी अच्छा था। आप गोलगप्पे कितने के देते हो भैया? 20 के 5। और ये जब आपकी शुरुआत हुई थी ये इस कार्ड की, तो तब कितने के गोलगप्पे थे? 10 के 4। 10 के 4 नहीं, 19-20 साल पहले 10 रुपए के चार थे। 5 के 6 थे जब हमने दुकान चालू की थी। 5 रुपए के 6 गोलगप्पे देते थे, 10 रुपए प्लेट टिक्की देते थे, 10 रुपए प्लेट भल्ला पापड़ी देते थे। मतलब उस टाइम भी आप 5 रुपए के 6, क्योंकि काफी टाइम पुरानी बात है। 18-20 साल हो गए हमारे यहाँ जो 2000 से रेट बढ़ाए भी नहीं है। आप यहाँ आएंगे, एक मिनट भी आपको यहाँ पर खाली नहीं दिखेगा, हमेशा आपको भीड़ दिखेगी ही दिखेगी, यहाँ पर बहुत भीड़ है। और ये अंकल कुछ बता रहे थे 2000 से, क्या कह रहे थे रेट? 2020 से हम जब चालू, 2000 से चालू कर रहे थे हमने, तो 10 रुपए प्लेट टिक्की थी, 5 रुपए के 6 गोलगप्पे देते थे। अब जो महंगाई के हिसाब से अब रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो कोरोना के टाइम पे यहाँ पे क्या था, कुछ प्रभावित हुआ आपका जो ये स्टॉल है? हमने 2-2.5 महीने पूरा बंद रखा है। 2.5 महीने बंद था ये? अच्छा, और कोरोना खत्म होने के भी 15 दिन बाद हमने चालू किया, उसके बाद। मतलब
उसके बाद हमने मास्क ग्लव्स वगैरह सब सैनिटाइजर वगैरह सब रखा हुआ था। अंदर पानी कितना मिलता है, कौन कौन सा फ्लेवर है? खट्टा और मीठा। अच्छा, दो तरह का पानी रखा हुआ है। अच्छा, क्योंकि आजकल जो फ्लेवर डालते हैं, फ्लेवर नहीं होता हमारे। अच्छा, फ्लेवर नहीं होता, वो फ्लेवर डालेंगे, कोई गुआवा का बनाएगा, कोई पाइनएप्पल का बनाएगा, वो फ्लेवर है, फ्लेवर से भी बेकार हो जाता है वो। आप घर में आप जूस पी लो या पानी का क्या फायदा उसका, इसमें हम मसाले डालते पूरे अपने। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स की कितना ध्यान रखा हुआ है यहाँ पे, वो फ्लेवर वाला पानी नहीं देते हैं, ये घर में असली पानी पुदीना हरी चटनी वाला पानी बनाते हैं। जीरा वगैरह सब बीच में मिला होता है, कम से कम 10-12 तरह के मसाले होते हैं, एक नहीं है कि ये जीरा घोल दिया तो बन गया, पूरे 20 तरह। तो इसलिए इनका कार्ड काफी पुराना है और आज तक उस पर भीड़ हमें नजर आती है। मसाले अपने आप ही पीसते हैं, अपने लागे साबुत लागे वो पीसते हैं घर के। यार देखिए टिक्की बनकर आ गई है और ऊपर देख लीजिए यार, चने भी डाले हुए हैं इन्होंने, और ऊपर देखिए अनार डाला हुआ है, हरी चटनी, दही, सब कुछ यार, चकुंदर तक डाली हुई है। तो देखते हैं यार टेस्ट क्या आने वाला है। ये देखिए टिक्की, भाई बहुत मस्त चाट बन रखी है, बहुत ही मस्त। आप ये देख लो पहले हरी चटनी, जो कि एज यूजुअल हर चाट में होती है, लेकिन अलग क्या है इसमें, इन्होंने ना ऊपर चुकंदर को भी काट के डाल रखा है, चुकंदर है इसमें, इसमें प्याज इन्होंने डाला था। ये मटर नहीं है, ये छोले हैं, ये जो है ना छोले, इन्होंने छोले डाल रखे हैं इसके ऊपर, टिक्की के ऊपर। इन्होंने यार काफ़ी ज़्यादा कुरकुरी टिक्की बना रखी है, साथ ही साथ ना ये जो चटनी और ये छोले और साथ ही साथ जो सब्जियां हैं ना ऊपर, ये इसका टेस्ट बहुत बढ़िया बना दे रहे हैं। ये जो चटनी भी है ना, ये इमली वाली चटनी है, इमली पुदीने वाली चटनी, हरी चटनी है, बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है यार, बहुत ही बढ़िया। आंटी तो फिर खाने में आ रहा है मजा? हाँ सही है। पहली बार खाए या फिर आते रहते हैं? नहीं, बहुत बिस्सा से आ रहे हैं। काफी बढ़िया बनाते हैं चाट। आप बिस्सा से आ रहे हैं? अच्छा, तो जब भी आपको मन करता है आप यहीं पे आते हैं टिक्की चाट खाने हैं? हाँ आ जाते हैं। अच्छा, क्या बात है, अंकल से पूछ लेते हैं। अंकल की लग रही है बढ़िया? हाँ ठीक है, बढ़िया। तो काफी टेस्टी लग रही है, मतलब सही है, मतलब ज्यादा नहीं लगी, सही सही है। तो आंटी का कहना है कि आंटी को जब भी मन करता है टिक्की चाट खाने का, आंटी यहीं पे आती है, जो कि है सोनू चाट भंडार। साथ में ये कुल्फी भी बनाते हैं। कौन कौन सी है? तीला है हमारे पास, तीला कुल्फी मिलती है, तीला एकदम मस्त कुल्फी होती है। नहीं, एक ही टेस्ट है फ्लेवर? हाँ एक ही फ्लेवर। कौन सा फ्लेवर है? काजू बादाम। ये जो आपकी काजू बादाम वाली जो कुल्फी है, क्या रेट है इसका? 20 रुपये। 20 रुपये का रेट है इसका? हाँ। अच्छा, एक बार दिखाएंगे कुल्फी, देखते हैं इनकी। ये एक कुल्फी भी देते हैं और देख लीजिए काजू बादाम कुल्फी है, और ये भी खाने में टेस्टी होती है, क्योंकि मैंने पहले भी खा रखी है और आज फिर मैं यहाँ पे आई हूँ कुल्फी खाने के लिए, देखते हैं कैसी है। रेट भी ज़्यादा, और जो इसका रेट है वो सिर्फ 20 रुपीज़ है यार, रीजनेबल रेट है। अच्छी है, बिल्कुल घर जैसी कुल्फी लग रही है। हाँ तो यार बहुत बढ़िया टेस्ट है यार, हाइजीनिकली भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया जाता है यहाँ पर। तो यार अपनी अपनी एक स्ट्रगल है, अंकल ने यहाँ पे 19-20 साल पहले शुरू करा था और आज देखो आज भी काफ़ी सफल तरीके से यहाँ पर सब बेच रहे हैं। हाँ। और काफ़ी ही साफ सुथरा काट है यार, काफ़ी साफ सुथरा। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आगे, तो इसी के साथ आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग दो मस्ताने गाइज, टेक केयर।